अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मुनिपुलस्त निज शिष्य सन कही पठही यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही पाय सुअब सर्वतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना तास बचन सुन अति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूषण सो उर धरव जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात कीर्तिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो दूरी न करो यहाँ है को। माल्यवंत गह गयो बहोरी कहाय विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहाई नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिप प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी तेसीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, उसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मागहु राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहु अहित न होय तुम्हार। अर्थात हे तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। बुध पुराण श्रुति संपत्ति बानी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशासन उठा रिसाई खल तहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों पुराणों और वेदों के द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जी असी सदा सख मोर जियावा रिप कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी नखल अस को जग माही भुज बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख तू जीता तो है सदा मेरा जियाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल्ला है, पर हे मूढ़
पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहु नीति। अस कहि कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। अर्थात मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कह इहें बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। तुम पित सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नव पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनि कोरी। अर्थात श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।